हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो जो हमारी ऑक्सीडेशन होती है एल्कीन्स की, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, तो इसको हम एल्कीन्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं यूजिंग ओजोन आल्सो। मतलब ओजोन भी जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में हेल्प करती है। तो जो आपकी ओजोन है इसको अगर आप पास करो थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन, मतलब आपने ओजोन को पास किया थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन एंड इन सम इनर्ट सॉल्वेंट, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे CH2Cl2 या फिर CHCl3, यू कैन टेक CCl4। तो ये क्या है, हमारे इनर्ट सॉल्वेंट्स होते हैं एंड द कंडीशन इज कि टेम्परेचर जो है वो लो हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी एल्कीन होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है इनटू ओजोनाइट। अब जो ये ओजोनाइट्स यहाँ पे फॉर्म हुए ये क्या होते हैं, दीज आर वेरी अनस्टेबल और साथ में ये काफी एक्सप्लोसिव नेचर के भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब क्योंकि ये अनस्टेबल है तो मतलब रिएक्टिविटी इनकी ज्यादा है, मतलब दे कांट बी इजिली आइसोलेटेड, तो आप इनको आइसोलेट नहीं कर सकते। पर आप क्या कर सकते हैं, आप इनको रिड्यूस कर सकते हैं इन सीटू विद जिंक डस्ट एंड वाटर या फिर H2 और पैलेडियम सो एज टू गिव दी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या फिर इनका मिक्सचर। तो आपको इस तरीके से आपकी ये पूरी रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड करती है। मतलब आपने ओजोन लिया, उसको आपने पहले पास किया थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन दैट इज प्रेजेंट इन सम इनर्ट सॉल्वेंट, तो वहां क्या होगा, एल्कीन जो है वो ओजोनाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये ओजोनाइट क्या होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा, तो इनको आइसोलेट करना मुश्किल है। तो इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं यूजिंग दी जिंक डस्ट एंड वाटर या फिर हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। तो फिर हमें क्या मिलता है, या तो एल्डिहाइड, कीटोन या फिर इनका मिक्सचर। तो अब इसकी हम रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने लिया इथीन और इसकी हमने यहाँ पे रिएक्शन की विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ सम इनर्ट सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर इज अराउंड 196 to 200 केल्विन। तो लो टेम्परेचर हमने यहाँ प्रोवाइड किया। अब क्या होगा, ये ओजोन इसके अराउंड एड हो जाएगी एंड दिस विल गिव यू दी ओजोनाइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमारा जो ओजोनाइट है वो फॉर्म हो गया। अब इसकी इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकिंग होगी एंड दिस विल गिव यू दी रिजल्टिंग, दिस विल अपॉन रिडक्शन, इस तरीके से इसकी यहाँ ब्रेकिंग होगी और ZNO यहाँ पे हमारा रिमूव हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विद दी मिथेनल, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनल यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे या फिर फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्म होगा। और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सेम रिएक्शन विद दी ओजोन CH2Cl2 196 to 200 केल्विन यहाँ का टेम्परेचर। अब ये ओजोन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, दिस विल बी CH3 यहाँ पे CHO CH2, इस तरीके से ओजोन यहाँ पे ऐड हो गई। नाउ अपॉन रिडक्शन यहाँ पे ZNO जो है वो रिमूव हो जाएगा इस तरीके से और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक है मिथेनल और इधर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये इथेनल और ये मिथेनल। तो ये हो गया CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस CH डबल बॉन्ड O, तो इथेनल और साथ में यहाँ पे हमारा मिथेनल जो है वो फॉर्म हो गया। पर अगर आपके जो ये ओजोनाइट्स हैं इसको आप डीकम्पोज करते हो सिर्फ वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि H2O2 जो है वो प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। वो क्या करेगा,
it will oxidize the aldehyde to the corresponding acid. Reductive ozonolysis तो हमने देख लिया. अब अगर यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन है उसमें अगर हम ओजोनाइट को डीकम्पोज करते हैं सिर्फ वाटर के साथ तो H2O2 फॉर्म होगा. दिस H2O2 विल कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू कोरिस्पोंडिंग एसिड एंड इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज. दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज. सो दिस इज द टू स्टेप कन्वर्जन ऑफ एन एल्कीन फर्स्ट इनटू द ओजोनाइट and by its reductive cleavage we are going to get the carbonyl compound and इसको हम कहेंगे ozonolysis reaction. अब इस ozonolysis reaction की importance क्या है? तो ये एक बहुत important method है for determining the position of double bond in an अननोन एल्कीन. तो एक अननोन एल्कीन दिया है उसमें आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है तो वो आप यहां से बता सकते हैं. तो यहां पे क्या होगा कि जो सिंस नो टू डिफरेंट एल्कीन्स दे गिव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स और कीटोन्स सो यू विल बी गेटिंग टू नो कि कौन सा एल्कीन यहां पे प्रेजेंट है. सो यहां पे एग्जांपल हम लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं फटाफट. CH3, CH2, CH double bond CH2. First reaction will be with O3 in CH2, Cl2. And second will be the reductive ozonolysis. तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से एक यहाँ पे CH3, CH2, CHO form होगा साथ में HCHO. ऐसे ही फिर CH3, CH double bond CH, CH3. तो पहले ये ओजोन की तरह ओजोन से रिएक्ट करेगा एंड देन इट विल गिव यू यहाँ पे इस तरीके से CH3CHO प्लस CH3CHO. तो ऐसे ही आप और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं तो आपके यहाँ से ओजोनोलिसिस रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो हमने शो किए हैं. So this was all about the ozonolysis reaction. Thank you.